आखिर यूट्यूबर कितना पैसा कमाते हैं भाई साहब? आजकल कोई अपनी लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़ के फुल टाइम यूट्यूबर बन रहा है। कोई कह रहा है स्कूल ही में नहीं गया मैं तो सीधे यूट्यूबर बन गया। कोई अपना कॉलेज छोड़ रहा है। तो भैया पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के, पैसा छोड़ के, घर बार छोड़ के ये पूरी दुनिया यूट्यूबर बनने में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको बताऊंगा भैया आखिर में यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है, क्या क्या सोर्स है, और जितना आपको दिख रहा है ना उससे ज्यादा पैसे यूट्यूबर्स कमाते हैं। लेकिन हर कोई नहीं कमाता। कौन कमाता है, कब कमाता है, कैसे कमाता है, पूरी जानकारी है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और ये हर यूट्यूबर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं इसका क्या भी नहीं है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला यूट्यूबर की इनकम का सोर्स है यूट्यूब से इनकम। ये लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है, अरे यूट्यूब तो तुम्हें बहुत पैसे देता होगा। किसी ने बेचारे ने दो वीडियो बना के डाली नहीं, उसके घर वाले पड़ोसी, अरे यार यूट्यूब तो खूब पैसे देता होगा, कितने पैसे दे दिए तेरे को। उन लोगों को मैं बता देता हूं भैया यूट्यूब इतनी आसानी से पैसे नहीं देता है। YouTube के पैसे देने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी है। पहला क्राइटेरिया, आपने YouTube चैनल चालू किया, एक वीडियो डाली, जरूरी नहीं आपको पैसे मिलेंगे। पहले 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी है। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पूरे कंटेंट को, आपकी वीडियो को टोटल 4000 घंटे लोगों ने देखा या नहीं देखा। ऐसे मानो मिनट में बात करें तो 240000 मिनट आपके कंटेंट को अगर लोगों ने देख लिया तब आप एलिजिबल होते हो कि आपको पैसे मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि काम कभी भी हो जाएगा, ये काम 12 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। तो जैसे ही आपने YouTube चैनल चालू किया उसके 12 महीने के अंदर अगर 1000 सब्सक्राइबर और 240000 मिनट का आपका कंटेंट व्यू हुआ, आप एलिजिबल मिल हो गए, अब आपको YouTube पैसे देगा। अब एक सवाल आता है कि भैया YouTube पैसे देगा क्या, YouTube के कहां से पैसे आ रहे जो आपको देगा? सर जी जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो वीडियो के बीच में ऐड आता है। ये वीडियो जब आपने देखी होगी इसके पहले दो ऐड आए होंगे, अब इस वीडियो के बीच में हो सकता है एक ऐड और आ जाए और वीडियो के लास्ट में भी एक ऐड और आ जाएगा। तो ये जो बीच में वीडियो में ऐड आ रहे हैं इस ऐड का पैसा YouTube लेता है। इतना बढ़िया आपका कंटेंट होगा, जितने ज्यादा लोग उसको देखने वाले होंगे उतने अच्छे आपके ऐड आएंगे। तो ये जो जितना भी ऐड से पैसा आता है इसमें से YouTube अपना एक छोटा सा कमीशन 45% का काट के बाकी जितने भी बचे हैं 55% आपको दे देता है। अब आप बोलोगे सर जी ये पैसा कितना आता है? ये पैसा इतना आता है जितना आपने कंटेंट पे व्यू आते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो है, आपने कितनी मेहनत से बनाई हो, उसको कम लोग देखेंगे, कम ऐड आएगा, कम पैसे मिलेंगे। ज्यादा अच्छी वीडियो बनी है, ज्यादा लंबी वीडियो बनी है, ज्यादा ऐड है, ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपके तो रोजी ये लाइक के पैसे मिलते हैं क्या, शेयर के पैसे मिलते हैं क्या, सब्सक्राइब के पैसे मिलते हैं क्या? तीनों चीजों के पैसे नहीं मिलते। बस ये चीजें जरूरत होती है इंगेजमेंट के लिए कि अगर मेरी वीडियो को ज्यादा लोग लाइक करेंगे तो दुनिया YouTube सोचेगा अरे इस वीडियो को बहुत लोग लाइक कर रहे हैं क्या बात है, और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। अरे इस वीडियो को तो बहुत लोगों ने शेयर किया क्या बात है, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। अरे इस वीडियो पे तो लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएगा। तो लाइक से, कमेंट से, शेयर से सिर्फ इंगेजमेंट आता है, देखने वाले लोग ज्यादा आते हैं, इससे डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता। बट हाँ जितने ज्यादा लोग देखने आएंगे उतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इसलिए हर यूट्यूबर पीछे पड़ा है, अरे भैया प्लीज लाइक कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज शेयर कर दो। मैंने भी आपको बोला था, नहीं बोला था तो अब बोल देता हूं, कर देना भैया। सेकेंड इनकम जो आती है वो आती है स्पॉन्सरशिप से। और सर जी ये असली इनकम है एक बड़े और सक्सेसफुल यूट्यूबर की। यूट्यूब कभी भी इतना पैसा नहीं दे सकता जितना स्पॉन्सरशिप देता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सरशिप क्या, पहले कंपनियां विराट कोहली को करती थी, शाहरुख खान को करती थी, आजकल ये इन्फ्लुएंसर को हायर करती है क्योंकि इनकी रीच बहुत अच्छी है। तो जिस प्रकार का आप कंटेंट बनाते हैं उस तरह की आपकी ऑडियंस है, उस तरह के आपको प्रोडक्ट्स का ऐड मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो फाइनेंस पे कंटेंट बनाता है, तो एक जो कंपनी है जो डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहती है वो उसको बोलती है भैया एक काम करो मेरी कंपनी का प्रचार कर दो, आप 30 सेकंड मेरे बारे में बोल देना कि इस कंपनी का डीमैट अकाउंट अच्छा है, बहुत सुविधा देती है, आप सब जाके इस कंपनी से डीमैट अकाउंट खुलवा लो। इस 30 सेकंड के उस यूट्यूब की पॉपुलरिटी को देख के उसको 30 सेकंड के 3 लाख भी मिल सकते हैं और 30 लाख भी मिल सकते हैं। एक तो होती है फिक्स डील की इतनी चीज बोल दो इतने रुपए ले लेना, एक होती है रिकरिंग डील की एक काम करो भैया आप हमारे ऐप के डाउनलोड करवा दो, डाउनलोड कराओगे उतने डाउनलोड पे आपको 100 रुपए 200 रुपए फिक्स मिल जाएंगे। कई यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि अच्छा अगर आपको ये चीज
पसंद आई तो नीचे दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो और उसी से बाय करो, और ये नंबर डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो नंबर डालने से आपको तो 100 रुपये डिस्काउंट मिलता है, पर उसको भी 200-300 रुपये मिल जाते हैं। तो उस लिंक से जितना भी डाउनलोड होंगे उसको उतना पैसा मिल जाएगा। तो यूट्यूबर की इनकम इससे भी होती है। और ये जो स्पॉन्सरशिप की इनकम है, तो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, कैरी मिनाटी हो गया, भुवन बाम हो गया, इनको एक एक ऐड के 25-50 लाख भी मिल जाते हैं। देखो बड़े एक्टर की तो बात छोड़ दो, शाहरुख खान की, अजय देवगन, ऋतिक रोशन की बात छोड़ दो, पर जितने भी छोटे मोटे एक्टर हैं, आप बोलोगे वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इन लेवल के एक्टर की बात करोगे, इनसे ज्यादा एक बड़े लेवल का यूट्यूबर आराम से आज की डेट में कमा रहा है। और आप उसको एग्जांपल देखना हो कि RRR को प्रमोट करने राजा मौली खुद भुवन बाम के चैनल पे गए थे, जूनियर NTR, रामचरण, ये तीनों गए हैं भुवन के पास कि भैया प्रमोट। अभी अटैक मूवी आई थी, उसकी जो स्टार कास्ट थी वो रकुल प्रीत सिंह, जॉन इब्राहिम, हर व्यक्ति, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, ये यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं। एक जमाना था जब यूट्यूबर कहते थे इनके पास, अब ये यूट्यूबर के पास आ रहे हैं। ये स्पॉन्सरशिप की ताकत। थर्ड इनकम का तरीका है ज्वाइन बटन। सर ये क्या होता है? सब्सक्राइब के बगल में कुछ यूट्यूबर्स के पास एक बटन आता है जो पॉपुलर हो जाते हैं, सब्सक्राइब के बगल में एक बटन आता है ज्वाइन बटन। उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके बहुत सारी फैसिलिटी आपको देते हैं कि चलो एक काम करो, अगर आप मुझे 100 रुपए महीना दोगे तो मैं आपको एक केस स्टडी अलग से दूंगा साहब। आप मुझे 500 रुपए महीना दोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जहां पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो साहब। आप 1000 रुपए महीना दोगे तो मैं आपके जितने भी कमेंट आएंगे वो हाईलाइट होकर ऊपर ही ऊपर दिखेंगे। तो बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटी आपको दी जाती है जिससे आपका क्रिएटर के साथ एक एंगेजमेंट हो जाए। इसके भी पैसे लेते हैं, इसमें से भी यूट्यूब कमीशन चार्ज करता है, पर ये आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। चौथा ऑप्शन आता है मर्चेंडाइजिंग। अगर आप यूट्यूबर, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर बन गए और दुनिया आपकी फैन हो गई, तो आप कुछ चीजें ऐसे प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। आपने कहा मेरी टी शर्ट पसंद है, टी शर्ट लोगे, नीचे जाके मर्चेंडाइज की लिंक पे क्लिक करो, वहां मेरे जैसे टी शर्ट ले लो, ये मेरे जैसा मग ले लो, ये मैं जो डायरी काम में लेता हूँ ये वाली डायरी ले लो, एक काम करो ये मेरी वाली किताब ले लो। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर सकता हूँ, डायरी लॉन्च की, बुक लॉन्च की, टी शर्ट, मग, ये सारी चीजें भी मर्चेंडाइज के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप खुद छापो, ये सारा काम भी यूट्यूब करके दे देगा, भैया अपना कमीशन ले लेगा। तो नीचे ऑप्शन है, आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन आता है अदर इन्फो प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट में मैंने कहा कि अरे आप मेरी वीडियो देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, एक काम करो मेरा कोर्स भी खरीद लो, आपको उसमें और डिटेल नॉलेज मिलेगी। भैया कोर्स भी बिक गया यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा मैंने कहा अरे मैं लाइव इवेंट कर रहा हूँ, 5000 आदमी मेरे से मिलना चाहेंगे, आ जाओ फलाने तालकोटरा स्टेडियम में, इतने रुपए की टिकट है, इतनी तारीख को आ जाओ, वो आपकी वीडियो के माध्यम से पूरा हॉल भर गया, आपने भैया वहां से भी पैसे कमा लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हर कोई नहीं करता, पर जो भी करता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। बेसिकली क्या है, आप कोई सा भी बिजनेस चालू करो, सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये प्रोडक्ट लेगा कौन। मैं कोई भी काम चालू कर रहा हूँ लेकिन मेरे से भैया प्रोडक्ट लेगा कौन। पर अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, आपने कुछ भी चालू किया, कैरी मिनाटी कल को कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट खोला है मुंबई में, कैरी मिनाटी रेस्टोरेंट, तो दुनिया मरेगी कि अरे यार कैरी मिनाटी के रेस्टोरेंट में चलोगे। अब कोई आम आदमी खोलता, उसको करोड़ों की मार्केटिंग करनी पड़ती, पता नहीं लोग आते नहीं आते। कैरी मिनाटी ने कहा देखो मैंने खुद की कार डीलरशिप चालू की है, तुम्हें मेरी शोरूम से गाड़ी लेनी है तो आ जाओ साहब, तो भैया कैरी मिनाटी के शोरूम पे लाइन लग गई। आपने कुछ भी लॉन्च कर दिया वो बिक जाएगा क्योंकि आपके पीछे एक लॉयल ऑडियंस है। तो ये तो थे यूट्यूब से कमाने के जितने भी तरीके। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन से तरीके पता थे। आई थिंक यूट्यूब इनकम और स्पॉन्सर का पता होगा, बाकी चार तरीके पता थे नहीं पता थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और कोई तरीका ऐसा है जो मैं बताना भूल गया तो वो जी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भाई लोग भी आप मुझे गाइड करो, तो आपके सामने वीडियो जल्दी से लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।